कुछ दिन पहले ही नेपाल के छोटे भाइयों ने यूएई के छोटे भाइयों को अंडर 19 फाइनल मुकाबले में एक करारी हार दिलाई थी। उसी तरह और कुछ दिनों के बाद यानी परसों फिर एक बार नेपाल के साथ यूएई का फाइनल मुकाबला हो रहा है, लेकिन इस बार छोटे मियां नहीं, ये मुकाबला बड़े धुरंधरों के बीच हो रहा है। हाँ दोस्तों, आज ट्राई नेशन सीरीज के आखिरी मैच में यूएई की हार के बावजूद अच्छा रन रेट के कारण यूएई फाइनल में प्रवेश कर गया और हांगकांग इस सीरीज से बाहर हो गया। तो इसके साथ ही परसों यूएई नेपाल के साथ भिड़ने जा रहा है। हालांकि नेपाल जिस फॉर्म से होकर गुजर रही है, इससे ये साफ है कि इस फाइनल को नेपाल ही जीतेगा, लेकिन फाइनल जैसे मुकाबले में यूएई की टीम और भी खतरनाक प्रदर्शन कर सकती है। यदि हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 7 T20 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से नेपाल ने 4 और यूएई ने 3 मैच जीते हैं, और उनमें से नेपाल ने चेस करते हुए 3 मैच और डिफेंड करते हुए एक मैच में जीत हासिल की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर फाइनल मुकाबले में नेपाल चेस करती है तो नेपाल के लिए जीत हासिल कर पाना कितना मुश्किल होता है। इसके बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।